ये कौन सी डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस है ना। वर्टिकल डिस्टेंस देखने से पहले आपको ग्राफ आने चाहिए, और ग्राफ किसके आने चाहिए? एक तो एफ एक्स का एंड जी एक्स का। एफ एक्स से आपको जो दिख रहा है उसको अलग तरीके से लिखेंगे तो आपके इजी समझ में आएगा। हाँ जी, उनसे देखिएगा, जो गिवन है आपका एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू। हाँ सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है प्लस टू का मतलब उसको दो स्टेप ऊपर पहुंचाना, दो नंबर ऊपर पहुंचाना, वही साइन एक्स का ग्राफ है। और कोस एक्स का ग्राफ, जब ग्राफ बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी होती है, मतलब साइन एक्स सॉरी कोस एक्स और साइन एक्स प्लस टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस को हम वर्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे। जस्ट अभी देखने वाले हैं, आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो ग्राफ देखते हैं। हाँ जी, एक बार ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का ग्राफ ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। हाँ जी, आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा। आपको पता है ये है वो वन है, हाँ जी ये वन है, वाई इक्वल टू वन है। हाँ जी, साइन एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाना है हमें, तो ऊपर ले जाएंगे इसको एक और, वाई इक्वल टू टू। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जो ग्राफ यहाँ जीरो पे था वो टू ऊपर शिफ्ट हो गया है तो टू पे आ जाएगा, जो ग्राफ यहाँ वन पे था वो टू ऊपर शिफ्ट हो गया है इसका मतलब थ्री पे चला जाएगा, जो ग्राफ यहाँ जीरो पे था वो ग्राफ टू पे आ गया है, और जो ग्राफ यहाँ माइनस वन पे था वो यहाँ वन पे आ गया है। ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है? इस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपका। हाँ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपका, इधर भी ऐसे ही बनेगा। जो ये रेड वाला ग्राफ है, जो ये रेड वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स प्लस
प्लस टू का थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये है साइन एक्स का, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे। हाँ जी, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू का, ध्यान से देखेंगे। अब हमें बनाना है कि y इक्वल टू जीरो है, अब हमें बनाना है कोस एक्स का ग्राफ, और जानते हो कोस एक्स का ग्राफ आप। इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कोस एक्स का ग्राफ बनता है। ये आपका हुआ वाई इक्वल टू कोस एक्स। सर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी है? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारी है, जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस और जो भी डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस आपको पता होगा ये डिस्टेंस वन है, ये डिस्टेंस वन है। तो इसको थ्योरेटिकली किस तरीके से देखा जाएगा? थ्योरेटिकली देखा जाएगा, हाँ जी, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली इसी तरीके से देखा जाएगा। थ्योरेटिकली किस तरीके से देखा जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल मेथड कौन सा है? हाँ जी, इसको आसान तरीके से समझने के लिए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैं मोड यूज कर रहा हूं, और ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। और मोड इसलिए यूज किया है मैंने क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और आप यहां थोड़ा सा ठीक से देखोगे तो ये आपको नजर आएगा 2 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहां आपको पी नजर आ गया होगा, पी नजर आ गया होगा कि पी क्या है। ध्यान से देखिए कि मैं दिखा देता हूं आपको, पी इक्वल टू है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसका पी की दो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का रूट टू और रूट टू, ठीक है। हाँ जी, वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्यान से, है ना, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं तो टू, एक तो प्लस रूट टू हो गया है और एक टू माइनस रूट टू हो गया है। हाँ जी, इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझने के लिए इसी को मैं दो पार्ट ले लेता हूं डिस्टेंस से। वैल्यू रखेंगे तो दो बन जाएगा, एक तो टू प्लस रूट टू, एक टू माइनस रूट टू। आसान तरीके से समझेंगे ये पी मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब आप सोचो ये वन है, ये डिस्टेंस यहां देखिएगा, यहां ग्राफ में, मैं ग्राफ में जो शो कर रहा हूं वो देखिएगा, ये डिस्टेंस वन है। तो वन से तो कुछ कम आ रही है क्योंकि रूट टू क्या होता है, रूट टू वन पॉइंट कुछ होता है ना, तो 2 माइनस 1 पॉइंट कुछ होगा तो 1 से कम आएगा, इसका मतलब इस 1 से भी कोई छोटी ना डिस्टेंस होगी। अच्छा, इन डिस्टेंस को ही हम वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस है दो ग्राफों के बीच की, इन डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 2 प्लस है और ये 2
माइनस है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 माइनस रूट 2, और यही आपका आंसर है 2 माइनस रूट 2। आसान तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझा जा सकते हैं, लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें समझना पड़ेगा। पहले हमें ग्राफ आना चाहिए और ग्राफ से हमें समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब दो ग्राफ के बीच की डिस्टेंस की बात की गई है। नॉर्मली हम देखेंगे तो हमें छोटी छोटी चीजें नजर आएगी कि भाई यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 होती है, और 3 से -1 के 1 के बीच डिस्टेंस भी 2 होती है, और 1 से भी कुछ छोटी डिस्टेंस है, तो वो थ्योरेटिकल मेथड से ही पता चलेगा। ग्राफ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस या तो बड़ी है छोटी है या ये डिस्टेंस छोटी है ना। तो ग्राफ से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, जब थ्योरेटिकली मेथड से किया जाएगा इसको कैलकुलेट इसको, है ना। हमने दोनों मेथड देखा है, ग्राफिकल मेथड भी देखा है और थ्योरेटिकल मेथड भी देखा है। क्वेश्चन ठीक लेवल का है, इसलिए इस शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं।